23 जून को जहीर इकबाल संग शादी रचाने के बाद सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों जमकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। बता दें कि कपल ने ना तो साथ फेरे लिए और ना ही निकाह पड़ा, दोनों ने सिविल मैरिज कर एक दूसरे का हाथ थामा है। वहीं फैंस अब ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर सोनाक्षी की शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। तो चलिए आज हम आपको इस प्यारे से कपल का एक प्यारा सा वीडियो दिखाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सोनाक्षी और जहीर को अपनी फैमिली के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था, जिसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इसी बीच अब सोनाक्षी और जहीर का एक और वीडियो सामने आया है जो खूब चर्चा में बना हुआ है। जी हां, सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है जिस पर फैंस भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल बीते दिन न्यूलीवेड कपल मॉल में शॉपिंग करने निकले थे। इस दौरान एक वीडियो एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत में सोनाक्षी अपने फोन के कैमरे को अपने पैर की तरफ करती हैं, जहां वो नंगे पांव नजर आ रही हैं। इसके बाद वे अपने पति जहीर की तरफ कैमरा घुमाती हैं, जो उनके सैंडल को हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं। वो इस क्यूट वीडियो को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा है कि जब आप एक ग्रीन फ्लैग लड़के से शादी करते हो। वही सोनाक्षी के इस वीडियो पर पति जहीर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि आई लव यू बेबी। वही आपको बता दें कि कपल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो पर भर भर कर प्यार दे रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया जा रहा है। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून को रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद रात में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन रखा था, जिसमें सलमान खान से लेकर अनिल कपूर, चंकी पांडे समेत कई सारी फिल्मी हस्तियां शामिल हुई थी। वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सोनाक्षी की शादी के कुछ दिन बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा की अचानक तबियत बिगड़ गई और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वे इस वक्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट है। वही अब मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि उनकी ये सर्जरी क्यों और किस चीज की हुई है। एक्टर के परिवार वालों ने अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। वही आपको बता दें कि जहीर इकबाल से दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर सोनाक्षी को जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। मालूम हो कि जब से दोनों की शादी की खबरें सामने आई थी, तभी से लोगों ने इनकी शादी का खूब विरोध किया था। दरअसल सोनाक्षी की इंटर रिलीजन मैरिज कई लोगों को पच नहीं रही थी, जिस वजह से सोनाक्षी और जहीर को भी काफी कुछ सुनने को मिला। वहीं सोनाक्षी की शादी को लेकर पटना में भी जमकर विरोध किया गया। दरअसल हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पोस्टर्स लगाए गए, जिस पर लिखा गया कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। हालांकि अभी तक सिन्हा परिवार की तरफ से इस मामले पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन।